अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख्वाजा मदर हुसैन इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्कम के कॉर्नर से मुखातिब हूँ, ओंटारियो कैनेडा। अभी अभी जुमे की नमाज़ ख़त्म हुई है और बहुत ही मुख्तसर पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो इमाम साहब ने फरमाया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इमाम साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ही हमें हमको हिदायत फरमाता है हर काम की। जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ही की मदद से हम हाथ उठाते हैं, और अल्लाह चाहता है कि हम दुआ मांगें। इसका मतलब है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से मांगते हैं। जब अल्लाह की मर्ज़ी से मांगते हैं तो इंशाल्लाह दुआ कबूल भी होगी। ये यकीन रखना चाहिए कि दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी से हमने मांगी दुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक तो ये था। दूसरी चीज़ उन्होंने फरमाई कि ये छुट्टियों का वक्त चल रहा है, बच्चों की छुट्टियों का वक्त चल रहा है और वेकेशन लिए हुए हैं लोगों ने, तो इस वेकेशन को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए? पांचों वक्त मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना चाहिए। जो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह सुबहानहू व तआला उनको 70 गुना ज़्यादा सवाब देता है। और जब मस्जिद में हम आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पता नहीं कौन से बुज़ुर्ग हमारे साथ नमाज़ पढ़ रहे होंगे, तो उनकी वजह से सब की नमाज़ कबूल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जुमे का दिन जो है ना एक बहुत ही मुबारक दिन होता है, तो उसमें सूरह कहफ़ पढ़ते हैं और इबादतें करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम जो है मुसलमान लोग जो है कोई भी स्पेशल डे होता है तो अल्लाह की ज़िक्र से, अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह के नाम से जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। जुमे का दिन है, हम सेलिब्रेट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं जुमे की, आके पांचों वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम जो भी दिन सेलिब्रेट करते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ करते हैं। हम जो भी इंजॉयमेंट करते हैं अल्लाह के ज़िक्र के साथ करते हैं, अल्लाह की इबादत के साथ करते हैं। हम अगर बाहर भी जाते हैं तो रास्ते में नमाज़ें पढ़ते हुए जाते हैं। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो हम नमाज़ें पढ़ते हुए जाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए जाते हैं, अल्लाह को याद करते हुए जाते हैं। ये एक मुसलमान की मेराज है, ये एक मुसलमान की मेराज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सबकी और हमारी सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।